हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है कि ग्रेस मार्क्स का दबाव बढ़ता जा रहा है। कैसे, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही कॉपी चेकिंग की कुछ बड़ी अपडेट्स आपको देने वाला हूं। और बच्चों ने पूछा है कि सर, अगर कितने क्वेश्चन करके आए हैं तो अपने आप को हम पास समझ सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे ऑथेंटिक अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती हैं, तो अगर आपको इसी तरीके की अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो बच्चों, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बच्चों, सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की शुभकामना देने वाले बहुत सारे बच्चों, अभिभावकों और दोस्तों को ढेर सारा धन्यवाद, ढेर सारा आशीर्वाद। बच्चों, मैं पर्सनली सबको धन्यवाद आशीर्वाद नहीं दे सकता था, संख्या हज़ारों में थी, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार और स्नेह ऐसा ही हमें मिलता रहेगा, क्योंकि इसी के बदौलत हम यहां तक पहुंचे हैं। बच्चों, अब बात करते हैं कि हमने ग्रेस मार्क्स की बात शुरू की थी कि सभी बच्चों को जो एग्ज़ाम दे करके आए हैं, जिनका पेपर ख़राब गया है या जो किसी वजह से दो चार नंबरों से फेल हो रहे हों, सबको ग्रेस मार्क्स दे करके फेल पास किया जाए, क्योंकि इस बार सभी बच्चे रेगुलर वाले लगभग पास हो गए। अगर इस एग्ज़ाम ना हुआ होता, इनको भी उस तरीके की कोई पॉलिसी बनती, तो ये बच्चे भी ज़्यादातर पास हो जाते। तो वो पास हुए हैं तो इन बच्चों के साथ भी एक साल पहले ही बेकार बीता है, तो इन बच्चों को भी पास किया जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कल हमने मांग उठाई थी, आपका भरपूर सहयोग मिला। और बच्चों, एक खुशखबरी मैं आपको ये देना चाह रहा हूँ कि आज छोटे छोटे ही सही, लेकिन कई सारे YouTube वाले साथियों के भी कमेंट आए हमारे पास में, और दो तीन लोगों का फ़ोन आया कि सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अगर आप ये काम शुरू कर रहे हैं तो हम लोग भी इस आवाज़ को उठाएंगे और बच्चों की आवाज़ को ऊपर पहुंचाने की ज़रूरत है और हम वर्क करेंगे। बहुत सारे गार्जियंस ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि सर, काम बड़ा अच्छा है, जिस भी तरीके का सहयोग आपको होगा हम करेंगे, बस आप इन बच्चों की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाइए। तो बच्चों, जब ऐसा सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक दो मीडिया संस्थानों ने भी संपर्क किया है और कहा है कि सर, अगर ज़रूरत होगी तो आप हमें बताइएगा, हम आपके इस प्रयास को अपने न्यूज़पेपर में, अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रकाशित करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है बच्चों, और ये इस वजह से है क्योंकि आपका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला है। अगर आप रिस्पॉन्स करोगे, हमारे साथ में संख्या बच्चों की दिखेगी, तो हमारी मांग दूर तक जाएगी और बहुत ही बुलंद तरीके से जाएगी। तो बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सपोर्ट करना है, और ये सपोर्ट आप अपने लिए कर रहे हो। बच्चों, हमें कौन से ग्रेस मार्क्स की ज़रूरत है, तो अपने लिए खुद का सपोर्ट करने के लिए आपको आगे आना है, और उसके लिए हमारे कदमों को मजबूत बनाना है, हमारे कंधे को मजबूत बनाना है, हमारे संख्या बल को मजबूत बनाना है। हमारे वीडियोज़ पर आपके लाइक्स आने चाहिए, उसको जितना संभव हो शेयर करो, और लोगों को जोड़ने का काम आपको करना है। बच्चों, मेरी पहुंच बहुत कम है, मेरी पहुंच आप तक है, आपने सब्सक्राइब किया है, लेकिन आपके दोस्तों तक नहीं है, जो हमसे दूर हैं, जो हमको नहीं जानते हैं, उनको आप जोड़ो इस मुहिम से, उनको हमारे साथ लाओ, और उनको भी इस आवाज़ का हिस्सा आपको बनाना है। तो इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करने का काम आपको करना है, और बाकी का जो गाइडेंस होगा वो तो मैं करने के लिए तैयार ही हूँ। बच्चों, हेलो लर्नर्स, पैंडमिक के टाइम में धीरे धीरे स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं और आप में से कई बच्चे शायद स्कूल जा रहे होंगे या फिर घर से ही पढ़ाई कर रहे होंगे। इस माहौल में पढ़ाई करना मुश्किल बन जाता है और पढ़ाई के बाद डाउट्स को सॉल्व करना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल। बस आपकी इसी मुश्किल को दूर करने के लिए अनअकैडमी लाया है आस्क आ डाउट फीचर। यहाँ पर आप अपने अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो, कभी भी, कहीं से भी, बिल्कुल फ्री में। आस्क आ डाउट यूज़ करने के लिए आस्क आ डाउट फीचर में जाएं, मेरा कोड GEA इंटर करें, अपनी डाउट क्वेश्चन की इमेज अपलोड करें, सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, और आपको उसके बाद कुछ ही टाइम में सॉल्यूशन मिल जाएगा। कहानी इधर ही ख़त्म नहीं होती। अगर आप 5 डाउट्स पूछते हैं तो आपको मिलता है 7 डेज़ का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में। प्लस सब्सक्रिप्शन से आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विज का बेनिफिट ले सकते हो। ऑफर की टर्म्स कंडीशंस कुछ इस तरीके से, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करें, यूज़ करें मेरा कोड GEA2 आस्क अ डाउट फॉर फ्री। इसी कोड को यूज़ करने पर आपको हर पेड सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो हैप्पी डाउट सॉल्विंग, ऑल द बेस्ट बच्चों। तो इस शुभ संकेत के साथ में आइए बात करते हैं कि कितने नंबर का क्वेश्चन आप करके आए हो तो आप पास हो सकते हो। बहुत सारे मैसेजेस हमको मिल रहे हैं, कुछ उन बच्चों से जो हमसे जुड़े हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो हमसे जुड़े नहीं हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमने केमिस्ट्री में इतना किया, उतना किया, सर हम पास हो जाएंगे कि नहीं पास हो जाएंगे। अब ऐसे प्रश्नों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि मैं पर्सनल सबको रिप्लाई नहीं दे सकता।
बहुत सारे ईमेल्स आते हैं। तो बच्चों, अकेला होने की वजह से स्कूल में भी पढ़ाता हूँ और उसके बाद भी बहुत सारा काम रहता है। मेरी PhD भी इस टाइम चल रही है, उसका भी रिसर्च वर्क मेरा बहुत सारा रहता है, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो मैं पर्सनल रिप्लाई आपको नहीं दे पाता। लेकिन बच्चों, फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट, आपके रिप्लाई जितनी संभव हो सके मैं उतनी दूँ, और कोशिश करता हूँ कि बच्चों का मनोबल मैं बढ़ा के रखूँ। तो बच्चों, मैं यहाँ पर एक वीडियो बना करके आपको समझा दे रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन आप करके आए हो तो आप पास हो सकते हो। देखो बच्चों, कोई भी पेपर हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो या किसी भी क्लास का हो, सबसे गारंटीड अगर आप पास होना चाहते हैं कि हाँ आप पास हैं, तो कम से कम उतना क्वेश्चन सही होना चाहिए जितने का पासिंग मार्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका पेपर 70 का है तो कम से कम 23 मार्क्स के क्वेश्चंस एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ में सही होने चाहिए, तब आप गारंटी ले सकते हो कि मुझे कोई फेल नहीं कर सकता है, इस तरीके की फीलिंग आएगी। अब इससे ज़्यादा का करके आए हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ज़्यादा का करके आए हो तब तो आप अपने आप को पास समझ ही सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कन्फर्म नहीं होते हैं कि जो हमने लिखा है वो सही है या गलत है। अगर सही है तो क्या होगा, कितना नंबर मिल सकता है, गलत है तो क्या उस पर भी कुछ नंबर मिलेगा, तो उन बच्चों के मन में संशय होता है। तो बच्चों, मैं बता दूं कि अगर आपने 4-5 नंबर कम लिखा है, 4 से 5 नंबर कम लिखा है अपने पासिंग मार्क्स से, मान लिया आपको 26 पाने थे या 27 पाने थे और आप 20-22 नंबर तक लिख करके ढंग से आए हो, उसके बाद भी आपने कोशिश की है और क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट किया है, आपने कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड लिख करके आए हो, तो उम्मीद पूरी रखो कि आप पास हो जाओगे। क्योंकि देखो बच्चों, अभी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है या जो मेरी बातें हुई हैं या जो मेरे साथ में लोग रहे हैं उनसे जब हम बात करते हैं, हम लोग जाते हैं कॉपी के लिए, कॉपी चेकिंग के लिए, एवेलुएशन के लिए, तो वहाँ पर कोशिश होती है कि अगर बच्चा 2-3-4 नंबर से फेल हो रहा है तो ढूंढ के कहीं अगर मौका मिल रहा है तो उसको उतना नंबर दे दिया जाए ताकि वो फेल ना हो। बच्चों, फेल होने से एक साल बर्बाद हो जाता है और उसका कष्ट हम लोग जानते हैं, तो कोशिश ये रहती है कि उन बच्चों को पास कर दिया जाए। अब अगर 1-2-3 नंबर की बात रहती है तो हो जाता है, लेकिन बहुत से एग्ज़ामिनर ऐसे भी हैं बेटा जो 2 नंबर से या 1 नंबर से फेल कर देते हैं बच्चों को, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग मेंटेलिटी होती है और उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। इसीलिए हमने मांग उठाई है कि ग्रेस मार्क्स दिया जाए और ग्रेस मार्क्स उतने दिए जाएँ कि बच्चे पास हो जाए। जो बच्चे अच्छा नंबर नहीं पा रहे हैं लेकिन पास हो गए हैं, उनके लिए नंबर को मॉडरेट किया जाए और उस वजह से उनका नंबर बढ़ा करके दिया जाए, जिस तरीके से सभी बच्चे अपने स्कूलों में ज़्यादा ज़्यादा नंबर पा गए हैं, उनको भी थोड़ा नंबर बढ़ा दिया जाए ताकि उनका मनोबल ना टूटे। हैं तो हमारे ही बच्चे वो, और उनको भी अपने साथ में लेकर के चलना है। तो बच्चों, अगर आप भी 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो और उसमें नियर अबाउट 20 नंबर के आसपास आपका सही है, तो आप अपने आप को पास मान सकते हो। अगर इतने का अटेम्प्ट किए हो और 20 नंबर का आपका हर हाल में सही है तो आप अपने आप को पास मान सकते हो। अगर बच्चों 20 से कम का सही है और आप पूरा पेपर हल करके आए हो तो भी आप अपने आप को पास मान सकते हो। अब ये गारंटी तो मैं नहीं ले सकता बच्चों, और गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि कई बार बच्चे पूरा लिख करके आते हैं, सही सही लिख करके आते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, तो गारंटी कोई नहीं ले सकता। लेकिन उम्मीद ज़्यादातर की यही है, और पिछले साल भी हमसे बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़े थे जो रिलेटेड लिख करके आए थे, कुछ लोग 2-3 दिन पहले जुड़े थे और उनको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया, क्या पढ़े होंगे भगवान जाने, वो लिख करके आए, रिलेटेड ही लिख करके आए होंगे, मुझे पूरा पक्का विश्वास है, और वो पूरा क्वेश्चन पेपर करके आए थे और पास हो गए थे। तो मनोबल अपना मत डाउन करो, और अगर अभी आगे कोई पेपर आपका होना है, मान लिया आपने केमिस्ट्री का पेपर दिया है, आगे कोई पेपर होना है, तो फुल कंसंट्रेशन, पूरा फोकस आपका उस पेपर पर होना चाहिए, आपका फोकस रिजल्ट पर नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट कैसा रहेगा और मैं केमिस्ट्री में पास होऊंगा या फेल होऊंगा, इधर मत सोचो, एग्ज़ाम दे आओ, हम ग्रेस मार्क्स वाली बात आगे बढ़ाएंगे, आपका सपोर्ट मिलेगा। तो बच्चों, तो सपोर्ट कर रहे हो अगर तो कमेंट बॉक्स में बता दो कि आपका सपोर्ट हमें मिलेगा, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप ही के लिए हमें लड़ाई लड़नी है और आप ही के लिए वर्क करना है। हमारी शुभकामनाएं हमेशा से आपके साथ रहेंगी। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।